हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 30 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 30/4/24 के लिए। तो देखिए, 30 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन देखिए, 30 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले थोड़ा सा सबसे पहले गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा गेम के रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। तो देखिए, अभी तो इस वीक में सिर्फ एक ही दिन गया है, जो कि मंडे 29 तारीख के गेम में। 29 तारीख के गेम में देखिए, जोड़ी गेम में 33 का जोड़ी गेम बना था, लेकिन 29 तारीख के गेम में हमें गेम पास देखने को नहीं मिला है, मिस हो गया है। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप लोगों ने इससे पहले वीक का जो ये वीक गया है, जो ये हफ्ता गया है, इसमें अगर आप लोगों ने रेगुलर वीडियोज़ को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा ही कि इस वीक में हमें देखिए लगातार मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमें लगातार गेम पास देखने का मिला था, जो ये वीक गया है, जो ये हफ्ता गया है इसमें, ठीक है? तो देखिए, लगातार गेम पास देखने के बाद अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है, एक दिन दो दिन मिस हो जाता है, तो इस बात को लेके आप लोग उदास मत होइएगा, नाराज मत होइएगा। क्योंकि देखिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी किसी वीक में लगातार गेम पास देखने के बाद कभी कभार ऐसा हो जाता है, एक दिन दो दिन मिस हो जाता है, ठीक है? तो इस बात को लेके आप लोग उदास मत होइएगा, नाराज मत होइएगा, ठीक है? और अभी देखिए, इस वीक में अभी सिर्फ मंडे ही गया है, अभी बाकी ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अभी बाकी है, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को उदास नहीं होना है, ठीक है? और देखिए, अभी जो आज हम 30 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे, देखिए 30 तारीख के लिए गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और देखिए, आज जो मैं आप लोगों को 30 तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर 30 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे। तो देखिए, लाइन कहाँ से देखेंगे और कैसे देखेंगे, देखिए देखिए लाइन यहाँ पर 29 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 29 तारीख के गेम से देखिए ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, ठीक है? मतलब कि फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 779 का अंक। उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 33 का जोड़ी गेम। उसके बाद थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 580 का अंक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे और थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट लाइन देखेंगे, जो कि ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 779 का अंक। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 7 और 7 को जोड़ेंगे, 14 का अंक बनेगा, 14 से 4 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे। उसके बाद 7 और 9 को जोड़ेंगे, 16 का अंक बनेगा और 1 जो रह गया था उसको लेंगे, फिर से 17 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे, 5 का अंक बनेगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 8 का अंक बनेगा। उसके बाद 5 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 13 का अंक बनेगा। उसके बाद फिर से 1 और 3 को जोड़ेंगे, 4 का अंक बनेगा, 1 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। देखिए, फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, ठीक है? देखिए, लाइन तो हो गया है फर्स्ट लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो इसलिए लाइन को और एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 779 का अंक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 7 और 7 को जोड़ा, 14 का अंक बना, 14 से 4 को लिखा, 1 रहने दिया। उसके बाद 7 और 9 को जोड़ा, 16 का अंक बना और 1 जो रह गया था उसको लिया, फिर से 17 का अंक बना।
उसके बाद 4 और 1 को जोड़ा, 5 कांग बना, 1 और 7 को जोड़ा, 8 कांग बना। उसके बाद फिर से 5 और 8 को जोड़ा, 13 कांग बना। उसके बाद फिर से 1 और 3 को जोड़ा, 4 कांग बना। 1 और 3 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनाए। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 कांग दिखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 कांग दिखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन हो गया, तो अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे। तो देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 33 का जोड़ी गेम। तो देखिए फिर से यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 कांग बनेगा। उसके बाद 3 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 कांग बनेगा। तो देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 0 कांग देखने को मिला है। देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 33 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 और 3 को जोड़ा, 6 कांग बना। 3 और 3 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 कांग बना है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 0 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 6 और 0 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए सेकंड लाइन भी हो गया है, तो अभी रह गया थर्ड लाइन। तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे, तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 5 8 0 कांक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 और 8 को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 और 8 को जोड़ेंगे, 5 और 8 को जोड़ेंगे 13 कांग बनेगा। 13 से 3 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे। उसके बाद 8 और 0 को जोड़ेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 कांग बनेगा। और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 10 कांग बनेगा। उसके बाद देखिए फिर से 3 और 1 को जोड़ेंगे, 4 कांग बनेगा। फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे फिर से 2 कांग बनेगा। उसके बाद 4 और 2 को जोड़ेंगे, 6 कांग बनेगा। 4 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 2 कांग देखने को मिला है, ठीक है। देखिए लाइन तो हो गया है, लेकिन अभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, जो कि है थर्ड लाइन क्लोज पैनल से। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 5 8 0 कांक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 5 और 8 को जोड़ा, 13 कांक बना। 13 से 3 को लिखा, 1 रहने दिया। उसके बाद 8 और 1 को जोड़ा, 9 कांक बना। और 1 जो रह गया था उसको लिया फिर से 10 कांक बना, क्योंकि 0 का वैल्यू 1। उसके बाद फिर से 3 और 1 को जोड़ा, 4 कांक बना। 1 और 1 को जोड़ा, 2 कांक बना। उसके बाद फिर से 4 और 2 को जोड़ा, 6 कांग बना। 4 और 2 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनाए। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 2 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 6 और 2 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो अभी हम देख लेते हैं कौन से लाइन से क्या क्या अंक देखने को मिला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 4 और 2 कांग देखने को मिला है। उसके बाद सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 6 और 0 कांग देखने को मिला है। और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 6 और 2 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, देखिए ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है, ठीक है। मतलब कि अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, हो जाएगा फाइनल गेम में, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं।
तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें फोर और टूकांग देखने को मिला था। तो देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से देखने को मिला है इसके यहाँ पर देखिए फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। तो फोर और टू को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से सिक्स कांग बनेगा। उसके बाद फोर और टू को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से टू कांग बनेगा। अभी जो ये सिक्स और टू कांग दिखने को मिला है इसको फिर से माइनस कर देंगे तो सिक्स और टू को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से फोर कांग बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए फोर कांग, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें सिक्स और जीरो कांग देखने का मिला था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जीरो का वैल्यू वन, जीरो की जगह पर वन, तो सिक्स और वन को फिर से माइनस कर देंगे तो सिक्स और वन को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से फाइव कांग बनेगा। तो सेकंड लाइन में यहाँ पर देखिए फाइव कांग, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें सिक्स और टू कांग देखने का मिला था। तो देखिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से देखने को मिला है इसको भी यहाँ पर देखिए फिर से माइनस कर देंगे तो सिक्स और टू को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से फोर कांग बनेगा। लेकिन देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से ऑलरेडी पहले से फोर कांग देखने को मिला है तो इसलिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से फोर कांग देखने को मिला है इस फोर कांग को हम नहीं देखेंगे, फोर के फैमिली को देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए फोर का फैमिली, फोर का फैमिली नाइन कांग, ठीक है। क्योंकि हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से ऑलरेडी पहले से फोर कांग देखने को मिला है इसीलिए, ठीक है। तो अभी देखिए हमें तीन लाइन के हिसाब से तीन अंक देखने को मिला है, देखिए क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में फोर कांग, सेकंड लाइन में फाइव कांग और थर्ड लाइन में नाइन कांग। तो देखिए तीन लाइन के हिसाब से तीन अंक देखने को मिला है लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए क्योंकि हमें चार अंक चाहिए। तो और एक अंक चाहिए तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से फोर कांग देखने को मिला है और फोर का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से नाइन कांग देखने को मिला है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से फाइव कांग देखने को मिला है तो फाइव के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए फाइव का फैमिली जीरो कांग, ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए चार अंक निकल गया है तो इसका मतलब लाइन पूरा हो गया है। तो अभी हम इन सबको कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी, स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए जीरो और फाइव कांग जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए फोर और नाइन कांग जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग ओडिसी में क्या देखने को मिला, देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए जीरो और फाइव कांग देखने को मिला है और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए फोर और नाइन कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए ओटीसी का तो हो गया, तो अभी मैं आप लोगों को साथ में कुछ जोड़ी भी दिखाऊंगा। तो जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा एक 46 का जोड़ी, उसके बाद होगा 40 का एक जोड़ी, उसके बाद होगा 96 का जोड़ी और होगा 90 का जोड़ी, उसके बाद होगा 06 का जोड़ी, उसके बाद होगा 00 का जोड़ी, उसके बाद होगा 56 का एक जोड़ी और होगा 50 का एक जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 46 का जोड़ी, 40 का जोड़ी, 96 का जोड़ी, 90 का जोड़ी, 06 का जोड़ी, 00 का जोड़ी, 56 का जोड़ी, 50 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है और देखिए आप लोग जोड़ी को नॉर्मली नॉर्मली करके ही देखिएगा, ज़्यादा स्ट्रांगली मत देखिएगा, ठीक है। और ओटीसी में यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओटीसी गेम में यहाँ पर देखिए जीरो और फाइव कांग देखने को मिला है और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए फोर और नाइन कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर 30 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।